नमस्कार दोस्तों मैं विक्रांत शर्मा आधार ICS के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज हम डिस्कस करेंगे यूपीए पी या यूपी पी के प्री एग्जाम 2017 जनरल स्टडीज पेपर वन के राज्य व्यवस्था में जो 2017 में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके विषय में कोई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है नाइनटीन तो देख शुरू करते हैं इसे इसमें पहला क्वेश्चन है लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कोरम आपसे पूछा गया है गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए मिनिमम कितने मेंबर्स उपस्थित होने चाहिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का छठवां भाग दसवां भाग चौथा भाग या तीसरा भाग तो इसका राइट आंसर होगा बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस संशोधन द्वारा हुआ था इस तरह से इन्होंने इश्यूज दिए हैं और संशोधन आपको दिए हैं तो जो ऑप्शन है वो है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन इकसठवा संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना बयालीसवा पर संशोधन मताधिकार की आयु का 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाना अड़तीसवां संशोधन उद्देश्य का में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाना चवालीसवां संशोधन तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी तीन चार एक दो यानी कि जो पहला है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन अड़तीसवा संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना चवालीसवा संशोधन मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर अट्ठाईस अठारह वर्ष किया जाना इकसठवा संशोधन और उद्देश्य में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाना बयालीसवा संशोधन नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका भारत व अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएँ समान हैं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति उच्च सदन में कुछ सदनों सदस्यों को मनोनीत करना तो केवल एक तीन चार दो तीन चार या एक तीन चार राइट आंसर होगा ए केवल एक जो ऑप्शन अभी दिए गए हैं और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस रिलीवेंसी में अब आपको पता होगा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो मनोनयन होते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है भारत में भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में राज्यों के संघ या राज्यों का संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है अमेरिका के संविधान से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या स्विट्जरलैंड के संविधान से इसका राइट आंसर होगा सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे कथन दिए गए हैं इसके सही आंसर आपको चुनना है कथन क्या है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है दोबारा सुनिए भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है और कारण दूसरा इन्होंने दिया है भारतीय संविधान में कुछ वस्तु कुछ उधार की वस्तुएं हैं तो इसका कौन सा सही होगा ये आपको इसमें बताना है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ए गलत है परंतु आर सही है क्योंकि न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है वो सीमित नहीं है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था वी शंकर के हनुमंतैया डॉक्टर एस आर सैन ओ वी अलगेसन राइट आंसर होगा सी डॉक्टर एस आर सैन अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए ये राज्य दिए गए हैं और इनके राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या है ये आपको बतानी है गुजरात उन्नीस कर्नाटक ग्यारह केरल बारह और उड़ीसा दस तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी दो तीन एक चार गुजरात ग्यारह कर्नाटक बारह केरल उन्नीस और उड़ीसा दस नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है दूसरा दिया गया है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था तो कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर इसके बताने हैं राइट आंसर होगा वो होगा इसका सी ए सही पर आर गलत ठीक है ए सही है चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है आर गलत है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ ऑप्शन उन्नीस सौ पचास इक्यावन बावन तिरपन राइट आंसर बी सी उन्नीस सौ बावन नाइनटीन फिफ्टी टू सी राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने के लिए अधिकृत है तो कौन गठन करता है अंतर्राज्यीय परिषद का संसद राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री में से राइट आंसर बी राष्ट्रपति नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है इन्होंने कट दी ये कट से क्वेश्चन पूछा गया है जो कटौती प्रस्ताव होते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है नीति अनुमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर एक रुपया करना मित्वेयता प्रस्ताव बजट की मांग में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाना सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में से सौ रुपये कम कर दिए जाना या लेखानुदान बजट की मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित कर देना तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है डी क्योंकि पूरी की पूरी मांग जो है कि पारित इसमें नहीं की जाती जितना मांगा गया है उसमें से कटौती कर इसे पारित किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है तो तीसरी अनुसूची में क्या क्या दिया गया यह आपको बताना है कोर्ट से संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप महाराष्ट्र के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन एक दो तीन दो तीन चार एक दो चार और एक दो तीन चार राइट right आंसर होगा वो होगा सी एक दो चार याद रखिएगा तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए शपथ का प्रारूप नहीं दिया गया है तो सी इसमें गलत होगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक या पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को राइट right आंसर होगा सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता कौन सा नहीं आता 21 के दायरे में ये आपको बताना है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता या कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न या पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड तो जो नहीं आता वो है डी मृत्युदंड नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है तो क्षेत्रीय परिषदों के बारे में क्या गलत है ये आपको बताना है ए ऑप्शन है यह है एक संवैधानिक संस्था है पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों की पुनर्गठन अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत की गई यद्यपि चंडीगढ़ एक राज्य नहीं है फिर भी उसे एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है यह है एक परामर्शदात्री संस्था है तो जो गलत है वो है ए कि यह एक संवैधानिक संस्था है ये ए गलत है नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा तो कूट के माध्यम से दे सही उत्तर चुनिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है कारण दिया है भारत का अपना एक संविधान है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार तो जो शामिल नहीं है विशेषाधिकार में वह सी है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा तो दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है वह इसमें सही आपको बताना है पहला सही है वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है यह गलत है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार है यह सही है उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है ये गलत है तो जो इसका राइट होगा वो क्या होगा वो होगा बी एक और तीन सही नेक्स्ट राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद दो के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो आपको पता होगा दो के द्वारा संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है पूछा गया है कि यह विधि अधिकतम कितने समय तक प्रवृत्त रहेगी छः माह से अधिक नहीं दो माह से अधिक नहीं एक वर्ष से अधिक नहीं या असीमित काल तक राइट आंसर होगा सी एक वर्ष से अधिक नहीं तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए अगर सेट आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी